वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम आईस ट्वेंटी इन फॉरन एक्सचेंज रेट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है डी एंड डी लिमिटेड सो डी एंड डी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग इट्स ऑपरेशन विद इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर एंडेडर थर्टीडी द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज प्लांटेड मशीनरीज फ्रॉम अस कंपनी द टर्म्स एंड कंडीशन देयर ऑफ आर गिवन ब्लो सो ईयर एंड हमारे पास है टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर है पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द following शेड्यूल जिसमें साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जुलाई वन को ट्वेंटी थाउजेंड पे किए हैं ऑन शिपमेंट सेप्टेंबर थर्टी को फिफ्टी थाउजेंड डॉलर और आफ्टर इंस्टॉशन एंड टेस्ट जनवरी थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन को थर्टी थाउजेंड डॉलर पे किए हैं सो इसमें जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो शिपमेंट पे ट्रांसफर हो रहे हैं यानी इस टाइम पर हम एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे द कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू इन अकॉर्डेंस विद्यूल यानी जो पेमेंट शेड्यूल ऊपर बताया हुआ है उसके मुताबिक ही पेमेंट हुई एंड द कंपनी मेड ऑल द पेमेंट्स ऑन टाइम द following एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल तो हमारे पास जो है इन तीन डेट्स का रेट भी है और इसके अलावा रेंट का रेट भी मौजूद है रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर जर्नल्स टू शो हाउ द अबव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर आई एस ट्वेंटी वन तो ये जो हमारे पास तमाम ट्रांजेक्शन दी हुई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है तो इस पर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब हमने फ़र्स्ट पेमेंट की और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उस दिन की पोजीशन क्या है तो दैट इज़ जुलाई वन 2016 और ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर हमने पे किए हैं जुलाई वन 2016 का जो रेट है दैट इज़ सिक्सटी पॉइंट फाइव सो हम आगे चलते हैं और अब इसकी एंट्री पास करते हैं तो आंसर में हम जनरल एंट्रीज़ का फॉर्मेट बना लेंगे और फर्स्ट जुलाई 2016 को जब हमने पेमेंट की है तो ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर की पेमेंट की है रेट सिक्सटी पॉइंट फाइव है दैट इज ट्वेल्व टेन थाउजेंड तो इतने से हम एडवांस टू सप्लायर को डेबिट करेंगे और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे नेक्स्ट हम चलते हैं तो अब साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है दैट इज शिपमेंट शिपमेंट सेप्टेम्बर थर्टी टू थाउजेंड सिक्सटीन को हो रही है इस टाइम पर हमने फिफ्टी थाउजेंड डॉलर भी पे किए हैं अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो इस दिन रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम पूरे वन हंड्रेड थाउजेंड का जो एसेट है वो रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि अब उसका रिस्क एंड वार्ड हमारा है और उससे रिलेटेड जो बाकी थर्टी थाउजेंड है उसकी पेएबल के तौर पर भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो थर्टियप्टेम्बर को जो हमारे पास रेट है दैट इज सिक्सटी वन तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं फिफ्टी थाउजेंड डॉलर सिक्सटी वन के हिसाब से हमने पे करने हैं इस डेट पर दैट इज थ्री पॉइंट जीरो फाइव मिलियन इसको हम इतने से बैंक को क्रेडिट कर देंगे जो ऑलरेडी हम एडवांस दे चुके हैं वो एडवांस भी एडजस्ट हो जाएगा तो ये जो ट्वेल्व टेन थाउजेंड का हमने एडवांस रिकॉर्ड किया था दैट गॉट एडजस्टेड एज वेल और बाकी थर्टी थाउजेंड डॉलर जो हैं वो हमें पेबल के तौर पे रिकॉर्ड करने हैं तो वो भी आज के दिन पर थर्टी सेप्टेम्बर को सिक्सटी वन के रेट पे रिकॉर्ड करेंगे दैट इज़ एटीन थर्टी थाउजेंड तो पेबल भी क्रेडिट हो जाएगा और इन तीनों क्रेडिट अमाउंट्स के इक्वल हमें डेबिट भी रिकॉर्ड करना है दैट वुड बी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन ट्रांजिट या उसे आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं तो इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन है जो जनवरी थर्टी फर्स्ट को रहा हो रहा है लेकिन इससे पहले हमारा इयर एंड हो रहा है सो इयर एंड पर हमारे पास जो रेट है दैट इज सिक्सटी वन पॉइंट टू जीरो सो पोजिशन ये है कि अब हम एक तो प्लांट रिकॉर्ड कर चुके हैं और जो एडवांस था वो तो खत्म हो गया एडजस्ट हो गया और एक मॉनेटरी आइटम हमारे पास है पेबल का तो एडवांस तो हमारा एडजस्ट हो चुका है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है ये मॉनेटरी आइटम है इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और जो हमारे पास पेबल टू सप्लायर है इसको हमने ईयर एंड पर क्लोजिंग रेट के ऊपर क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे रीट्रांसलेट करना है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन को अगर हम थर्टी थाउजेंड डॉलर जो कि पेबल के डॉलर्स हैं उनको क्लोजिंग रेट पर सिक्सटी वन पॉइंट टू पर ट्रांसलेट करते हैं तो वो एटीन थर्टी सिक्स थाउजेंड बनता है इट मीन्स कि हमारी जो ऑब्लिगेशन है उसमें सिक्स थाउजेंड का इजाफा हो रहा है सो so, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस डेबिट प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे और पेबल हमारा सिक्स थाउजेंड से इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर एंड के बाद जनवरी थर्टी फर्स्ट को हमारी लास्ट पेमेंट है जब इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन हो चुका है और हमने पेमेंट की है आखिरी थर्टी थाउजेंड की जो हम ऑलरेडी पेबल के तौर पे रिकॉर्ड कर चुके हैं तो जनवरी थर्टीडीन को जो रेट है दैट इज सिक्सटी वन पॉइंट फाइव अब एक बात तो ये होगी कि, कि जब हमारी इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन हो चुका है तो हमने जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बनाया था उसको अब हमें नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर देना चाहिए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर देंगे ताकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफर प्रॉपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर हो जाए नेक्स्ट जो एंट्री हमारी होगी थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन को वो हमने पेमेंट की है तो हमने थर्टी थाउजेंड डॉलर की पेमेंट की है रेट सिक्सटी वन पॉइंट फाइव है तो हमें पाक रुपीज़ में एटीन फोर्टी फाइव थाउजेंड पे करने पड़े तो इतने से तो हमारा बैंक क्रेडिट होगा हमारी जो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है वो लास्ट टाइम 1836 पर रिकॉर्डेड है 1830 की ओरिजिनल रिकॉर्ड की थी और 6000 की बाद में ईयर एंड पे तो पेबल जो हमारा खत्म होगा वो एटीन से होगा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस राइज हो रहा है नाइन का नाइन थाउजेंड से हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है दैट वुड बी आर एक्सचेंज लॉस जो हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा सो so, ये हमारा क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड एंट्रीज थी दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे